हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ एट कैड एंड कंस्ट्रक्शन में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हो, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइंस आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहता हूँ। तो आज भी इस वीडियो में आपको एक 30x40 का अपार्टमेंट प्लान का फर्स्ट फ्लोर ड्राॅइंग लाया हूँ, जो ऑलरेडी मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लान अपलोड किया है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा। हाफ पोर्शन मैंने पार्किंग शो किया था उसमें, और हाफ पोर्शन में 1 BHK सेट किया, जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने सेट किया था। तो क्लाइंट के कुछ टिपिकल रिक्वायरमेंट थे, ग्राउंड फ्लोर पे वो हाफ पोर्शन पार्किंग और 1 BHK चाहते थे, और फर्स्ट फ्लोर पे वो खुद के रहने के लिए एक 2 BHK प्लान चाहते थे, और सेकेंड फ्लोर में वो रेंट पर्पज़ के लिए एक पोर्शन 1 BHK, एक पोर्शन 2 BHK वो चाहते थे। तो उनके हिसाब से मैंने ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी शो किया है, तो आज फर्स्ट फ्लोर प्लान मैं आपको शो करने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए मैं आपको वो फर्स्ट फ्लोर प्लान शो करता हूँ। तो प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। तो ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपने अगर नहीं देखा उस वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस ग्राउंड फ्लोर प्लान को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान शो करूँगा, और जो सेकेंड फ्लोर का प्लान है वो आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं शो करता रहूँगा। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान आपको शो करता हूँ। तो ये रहा वो फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो फर्स्ट फ्लोर का प्लान में जो मैंने 2 BHK सेट किया है, ये जो ग्राउंड फ्लोर पे मैंने जो स्टेयरकेस आपको शो किए थे, ये कंटिन्यूसली फ्लोर बाय फ्लोर आपको सीधा कंटिन्यूसली जाएंगे। तो यहाँ पे इस फ्लोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में एक मेन डोर दिखेगा, जो सीधा डायरेक्टली हॉल में एंट्री होगी उसकी। और यहीं पर मैंने एक छोटा सा विंडो लिया है इस मेन डोर के बाजू ही। और ये हॉल का डायमेंशन देखिए, 19 फीट 9 इंच और 16 फीट 9 इंच, जो इस प्लॉट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया डायमेंशन सेट हो गया है। और यहीं पर मैंने इस कॉर्नर पर मैंने सोफ़ा सेट वगैरह सेट किया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। और यहीं पर मैंने टीवी का पॉइंट दिया है इस तरफ, और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक वार्डरोब लिया है। ये एक्चुअली ये 4 इंच की वॉल आप जो देख रहे हैं हॉल के सेंटर में, ये एक्चुअली मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन इनकेस जो मैं प्लान जो सेट किया हूँ ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ कॉलम आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया है। तो आने वाले वीडियोज़ में जो सेकेंड फ्लोर का जो प्लान मैं शो करने वाला हूँ उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो आप फिलहाल इसको इस हिसाब से देख लें, मैं आपको कॉलम लोकेशन साथ आने वाली वीडियोस में शो करूँगा। तो यहाँ पे इस हॉल में आपको एक किचन का एक ओपन आर्स लगेगा, और यहाँ पे एक बेडरूम का एक डोर लगेगा। तो बेडरूम का डोर यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे बेडरूम और यहाँ बेडरूम का वार्डरोब और ये विंडोज़ वगैरह इस तरफ आपको शो होंगे। तो बेडरूम का डायमेंशन देखिए, 10 फीट 10 इंच, ऐसे में 11 फीट इंक्लूड ये वार्डरोब है। तो वार्डरोब मैंने 15 इंच का लिया है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसको ले सकते हो। तो वार्डरोब के लिए इस कॉर्नर पे लेना सही रहेगा। और फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पे एक विंडो लिया है। और यहाँ पे इस किचन की बात करेंगे, तो किचन का यहाँ ओपन आर्च आने के बाद में किचन का डायमेंशन देख लीजिए, 8 फीट 7 इंच, जैसे में 8 फीट 2 इंच क्लियर आपको इनर टू इनर मिलेगा। और यहाँ पे इसका प्लेटफॉर्म इस साइड मैंने लिया है, और यहाँ पे इसका सिंक वगैरह आएगा, जो वॉश वगैरह करने के लिए यहाँ पे आएगा। और यहीं पे इसका किचन का विंडो है, और यहाँ पे मैंने एक आउटसाइड एक डोर निकाला है जो सीधा बालकोनी में जाएगा। आप बालकोनी को यूटिलिटी में यूज़ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहा आप किस तरीके इसको यूज़ कर सकते हो। और फ्रिज के लिए इस कॉर्नर को मैंने चूज़ किया है, और इस कॉर्नर को मैंने यहाँ पे इसको यूज़ में ले लिया है।
और हॉल में यहाँ पे मैंने दो विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं बैक साइड, क्योंकि आउटसाइड टोटली सराउंडिंग मैंने 1 फीट साइड बैक छोड़ा है, जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इस साइड बैक को छोड़ा है। और यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम लगेगा जो 12 फीट 10 इंच और ऐसे में 9 फीट आप क्लियरली डायमेंशन मिलेगा इस मास्टर बेडरूम का। और यहाँ पे इस मास्टर बेडरूम मैंने दो विंडोज़ लिए हैं, तो आप चाहे तो इसको एक भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसका वार्डरोब इस कॉर्नर पे लिया है। और यहाँ पे जो WC बाथ जो अटैच है, इसका डायमेंशन काफ़ी बढ़िया है, जो 3 फीट 9 इंच ऐसे में 9 फीट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका हैंड वॉश का एक इस तरफ मैंने इसको ले लिया है। और यहाँ पे आपको इंडियन हो वेस्टर्न जो भी कमोड हो इस साइड उसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आउटसाइड में इसका वेंटिलेटर भी इस तरफ प्रोवाइड किया है मैंने। और यहाँ पे हॉल के इस कॉर्नर पे मैं यहाँ एक ओपन डोर लिया है मैंने, जो पैसेज से होते हुआ कॉमन WC बाथ में आएगा। तो यहाँ पे डोर ओपन होने के बाद में बैक साइड थोड़ी सी स्पेस है, वहाँ पे आप इसको छोटा सा एक हैंड वॉश वगैरह यूज़ कर सकते हो। और इसका भी जो लेंथ और विड्थ है काफ़ी बढ़िया है, ये आपको 9 फीट ऐसे में 3 फीट 5 इंच क्लियरली आपको इनर टू इनर का डायमेंशन है। और यहाँ पे इसका मैंने कमोड भी दिया है। और यहाँ पे इसका वेंटिलेटर आप चाहे तो इस तरफ ले सकते हो। और वॉल मिक्सचर वगैरह इस वॉल पे सेट कर सकते हो आप, तो काफ़ी आपको स्पेस मिल जाएगी। और यहाँ पे आउटसाइड फ्रंट में यहाँ पे मैंने एक पैसेज लिया है जो 6 फीट 6 इंच आपको क्लियरली इनर टू इनर मिलेगा। तो ये स्टेयरकेस इनर टू इनर 6 फीट है, और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा जो स्पेस मिल रही है, तो यहाँ पे मैंने इसका एक रेलिंग लिया है 3 इंच का, तो इस वजह से आपको 6 फीट 6 इंच क्लियर मिलेगा। ये आपको सिर्फ 3 फीट की हाइट पे आप उसको ले लें, ताकि वेंटिलेशन का मेन जरिया इस तरफ आ जाए। तो सेटबैक यहाँ पे 1 फीट छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे इसको 3 फीट पैरापेट टाइप में इसको ले लें, तो ये एरिया पूरा क्लियरली आपको वेंटिलेशन के लिए सही रहेगा। और यहीं पे मैंने इसको लिफ्ट भी लिया है, जो लिफ्ट का डायमेंशन है 6 फीट ऐसे में 5 फीट 6 इंच, जो काफ़ी बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्लान आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जिसके लिए मैंने ये प्लान बनाया था उनका नाम चंद्रशेखर, जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं। तो अगर आपको ये प्लान पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपके भी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह हो प्लान के, आपका कोई प्लॉट वगैरह हो, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें और रिक्वायरमेंट क्लियरली दें आपको क्या बनाना है, ताकि मेरे को इजीली बनाने में आसानी हो। और आने वाले वीडियोस में आपके लिए मैं प्लान बनाऊं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।